नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां फरुखाबाद की जनता ने बीजेपी सांसद पर लगाया आरोप, किया विरोध। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जिले के थाना जहानगंज अंतर्गत वाहिदपुर में बन रहे टोल प्लाजा का स्थानीय जनता ने किया विरोध। वहीं आपको बताते चले कि आज स्थानीय जनता ने पोस्ट के माध्यम से फरुखाबाद जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी को भेजा प्रार्थना पत्र। देखे फरुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंदर। कहाँ के रहने निवासी हैं आप? वाहिदपुर। वाहिदपुर बोला लिखा। वाहिदपुर। थाना कौन सा है? जहानगंज। जिला? फरुखाबाद। क्या मामला है ये मामला है ये गुंडागर्दी से टोल प्लाजा बना रहे हैं, हरियाली मार्केट के आगे था टोल प्लाजा। एक किलोमीटर दूर था टोल प्लाजा। कितनी दूरी थी टोल प्लाजा यहाँ से? दो थे, एक डेढ़ किलोमीटर आगे चयनित की गई थी, कुल मिलाकर डेढ़ किलोमीटर आगे। हाँ, 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 तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने पहले किसी से शिकायत की है? सांसद कौन है यहाँ के? सांसद। तो मुकेश राजपूत से मुलाकात हुई थी? हुई थी। मुकेश राजपूत ने क्या कहा? जा गई कि जहाँ पर चिन्हित है वहीं भी बनेगा। मुकेश राजपूत के पास गए तो उन्होंने अपना फोन लगा के बात करने लगे, वो कहीं बाजरा की बात कर रहे थे। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, बस 5 मिनट तक 10 मिनट तक इंतजार देखते रहे, फिर वो अंदर घुस गए, फिर हम लोग बाहर चले आए। वो अपना बाजरा लेने के लिए बातचीत करते रहे, हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा। अब कहीं होने बने बाद में पकौड़ा बिछियो, पकौड़ा बिछियो तुम लोग। ये भी कहा कि वो टोल प्लाजा वहीं पे बनेगा और बाद में आप लोग वहीं पे पकौड़ा बेचना अपने। देखिए कि जनता की शिकायतें इस प्रकार से हैं कि कुल मिलाकर यह कहे कि ये वाहिदपुर की जनता का यह कहना है कि इस क्षेत्र में टोल प्लाजा बनाना उनके लिए अन्याय साबित होगा, जिसको लेकर यह लोग पूरे तरह विरोध में आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम इंदर सिंह। इंदर सिंह, ये क्या प्रकरण है? पूरा प्रकरण ये है कि ये जो जगह खाली पड़ी उसको छोड़ करके, और ये जो आबादी क्षेत्र है जिसमें पूरी दुकानें बनी है, स्कूल बने हैं, उसके अंदर ये लोग टोल प्लाजा का निर्माण कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या टोल प्लाजा यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना? यहाँ बनने से पूरा रोजगार खत्म हो जाएगा, और करीब 200 दुकानें यहाँ पे हैं, 2-3 विद्यालय हैं, ठीक है, और यहाँ सैकड़ों बच्चे स्कूल इधर से उधर होते हैं, इसलिए सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे सब लोग? अब जहाँ जो जगह खाली पड़ी यहाँ से केवल 100 मीटर दूर, वहाँ इन्होंने 8 दिन काम किया और उसके बाद बंद कर करके फिर यही मार्केट यहाँ दुकानों का व्यवसाय सब चौपट हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? भूखे मरेंगे, क्या करेंगे? सैकड़ों दुकानें पड़ी यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थानीय जनता का कहना है कि इस क्षेत्र में, यह घनी आबादी क्षेत्र है, हम आपको दिखा दें कि देख लीजिए कि किस प्रकार से यह घनी आबादी क्षेत्र में आता है, घनी आबादी क्षेत्र में आता है, और इस आबादी क्षेत्र में टोल प्लाजा निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह से टोल प्लाजा नियमों को की धज्जियां उड़ा रहा है। इसलिए हम यह कहें कि जो स्थानीय जनता का कहना है वह विरोध पूरी तरह सत्य साबित होता है। अब देखना यह है कि स्थानीय जनता को न्याय मिलेगा या यूं ही यह दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फरुखाबाद। भैया नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फरुखाबाद जनपद के थाना जहानगंज अंतर्गत वाहिदपुर क्षेत्र में, जहां घनी आबादी में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह
गैर कानूनी है, जैसा कि टोल प्लाजा के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक घनी आबादी क्षेत्र में कोई भी टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता है, अपितु टोल प्लाजा विभाग ही धज्जियों उड़ाने में अग्रसर है। तो आखिर जनता क्या करे और अपने घर व दुकानों को लेकर कहां जाए और कैसे करे जीविकोपार्जन, यह घनी समस्या फरुखाबाद जनपद में उत्पन्न हो चुकी है, जहां जनता बेसुध होकर पूरी तरह अपने आप को बचाने के साथ साथ अपने गृह निवास एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बचाने में लगी है। वहीं जो टोल प्लाजा के द्वारा दर्शाई गई है उसमें इस घनी आबादी क्षेत्र को जीरो आबादी में दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह गलत साबित हो रही है। हम यहाँ बात करेंगे सीधी बात जनता के साथ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, अपना नाम बताइए। क्या मामला है यहाँ? यहाँ प्लाजा बनाओ तो यहाँ मेरी दुकान गिराओ, सब खसाई दो। दुकान गिरा दी गई? दुकान सब खसाई दो। खसाई दो सब, खसाई दो। क्या खोद दो है? अब हो तो भैया कुछ हजिया बनाओ। अब क्या बोल के चिल्ला दे? गड्ढा खोद दो। क्या क्या नीतू देवी, नीतू जी क्या क्या मामला है? गड्ढा खोद दो। जैसा कि ज्ञात हो, आज के ही दिन कुछ मिनटों पहले फरुखाबाद जिलाधिकारी के पास ये लोग आवेदन पत्र लेके गए थे, अपितु जो इन लोगों के स्थानीय जनता का कहना है कि फरुखाबाद जिला अधिकारी ने आवेदन पत्र नहीं लिया और इसके साथ उन्होंने एडीएम फरुखाबाद को आवेदन पत्र देने को कहा, लेकिन कुछ कारणों से जैसा कि ज्ञात हो रहा है कि एडीएम साहब भी मुस्तैद नहीं थे और इन लोगों को मजबूर होकर यह आवेदन पत्र रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना पड़ा। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जो है, जो हमारे दुकान के आगे कुटरिया बना देंगे, फिर हम कैसे अपनी दुकान चलाएंगे? कौन सा जगह है ये? तो कितनी आबादी लगभग होगी यहाँ पर? यहाँ कम से कम दो दो दुकानें बनी है। आबादी कितनी होगी? कम अगर कितने लोग घर होंगे यहाँ? लगभग यहाँ कम से कम 1000-1200 घर है, 3000-4000 के आस पास है। तो क्या टोल प्लाजा बनाने से पहले जब यहाँ सर्वे हुई थी तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं की थी? अरे हम लोगों ने कोई सूचना नहीं दी गई। तो क्या सीधे टोल प्लाजा के लिए यहाँ बंटिंद्र स्थान कर दी गई? कल इन्होंने कहा कि हम अपनी मट्टी हेक्टार करेंगे, इन्होंने गड्ढा खोद दिया। प्लाजा उधर था, मुराज का मेरे यहाँ रख दिया। गौरव, यह पूरा मामला क्या है? पहले प्लाजा 300 मीटर आगे था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, दो दिन पहले यहाँ पे सब खोदना चालू कर दिया। अगर और इनसे जब कहा गया कि हमें इसका नक्शा दिखाइए, ये लोग नक्शा नहीं दे रहे, और आप चूंकि देख रहे होंगे पूरी दुकान वगैरह ये खसा रहे सब। आप लोग जब डीएम को आवेदन पत्र देने के लिए गए थे तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम ने कहा इसमें क्या करें, अगर गड्ढा तुम्हारे यहाँ खुदरा तो हम क्या करें, मरो मर जाओ, हम क्या करें, ऊपर से दबाओ। तो आखिर आवेदन लेने से डीएम साहब आपको आपके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया तो डीएम साहब लिए या ना लिए? नहीं लिए, डीएम साहब मना कर दिया। उन्होंने किसके पास भेजा था? एडीएम के पास। एडीएम साहब से मुलाकात हुई? वो मीटिंग में थे, स्टोनों को दिया। और इसके अलावा जो सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि आप लोगों ने यह आवेदन पत्र रजिस्ट्री भी की है, यह कहां तक सत्य था? जी की है, रजिस्ट्री की है, 5 लोगों की है। कौन कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्री भेजी गई है? ये आज रजिस्ट्री की है हमने मिनिस्ट्री को, लखनऊ कमिश्नर और नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी फरुखाबाद के। क्या होता है
तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्थानीय जनता एकत्रित होकर टोल प्लाजा का विरोध कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से संवैधानिक भी है, चूंकि टोल प्लाजा रूल रेगुलेशन के मुताबिक घनी आबादी में टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन टोल प्लाजा विभाग इसे रोकने को तैयार नहीं है, जैसा कि स्थानीय जनता का कहना है। टोल प्लाजा के अधिकारियों ने क्या कहा है अभी तक? वो कुछ नक्शा नहीं दिखा रहे और तोड़फोड़ कर रहे हैं यहाँ पे सब। आप लोगों ने जब इसका विरोध किया तो क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, दबंगे दिखा रहे हैं, जेल के अंदर करते हैं। पूरी तानाशाही, पूरी तानाशाही, खाली जगह हम नहीं बना रहे। डीएम की जनता पहुंचे, डीएम की आवाज तो आराम से सुनाई। यहाँ पे सर जो टोल प्लाजा बन रहा है, शुरू बनना शुरू हुआ है, तो उसमें यहाँ पे की पब्लिक ने यहाँ पे बनने का कोई विरोध किया है? आज वाहिदपुर गांव में नेचाई द्वारा जो टोल प्लाजा बनवाया जा रहा है, इसके संबंध में पब्लिक में भ्रम की वजह से कुछ विरोध था, और जिससे उनको नेचाई की टीम द्वारा समझा कर समझा दिया गया है और ये निशान लगा दिया गया है। पब्लिक संतुष्ट है, किसी तरह की समस्या नहीं है, निर्माण कार्य प्रारंभ है। इसके बाद कोई पब्लिक लगता है कि कुछ दोबारा भी इशू हो सकता है? इशू जो भी है पब्लिक, वो कोर्ट के माध्यम से अपना वो कोर्ट गए हुए हैं वो लोग, और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो पब्लिक ना रखेगी अपना पक्ष। आप ही सारे प्रश्न कोर्ट में भी है, हालांकि कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। सरिया जाए है ना, लेट जाओ बाकी तीरे नीचे बना रहे भाई, ऊपर बैठा रहे धक्का यार, सोच रहे यार चेन को ना हमने रात पिलो दे, मैं कोई इंसान से देख रहा हूं, कोई देख रहा हूं कितनी दमंगे काम, कितनी तेज हो रहा, पूरा हमला सब लगा हुआ है। क्या नाम है रविंदर?